लास्ट 5 साल में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका इंटरनेट ही रही है। इंटरनेट के कारण वो ग्रो नहीं कर पाया है। इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद पीपल। भोजन का स्टेट नहीं था, वो तो मुकेश अंबानी जी ने बहुत मुश्किल से अभी जियो कर दिया हम लोग के लिए फ्री। पर आप सोच के देखिएगा, अगर इंटरनेट नहीं होता तो इन्फ्लुएंसर लोग नहीं होता आज का डेट में, सर ओके है सर लीव इट। ना। इंटरनेट, और इंटरनेट के कारण आपका इंटरव्यू खराब चला जाता है। इंटरनेट के कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, इंटरनेट खराब हो गया। कुछ भी हो रहा है, इंटरनेट खराब हो गया। आप बॉस से बात करें, इंटरनेट आपका खराब हो गया, बॉस आपका दिन खराब कर देगा। व्हाई डिड यू लेव द मीटिंग? माय इंटरनेट वाज, व्हाई योर इंटरनेट? दिस नॉट आवर प्रॉब्लम, दिस योर प्रॉब्लम। योर इंटरनेट इज अ बहुत आपका आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेट इन योर लाइफ। तो हमेशा अच्छा इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको आइडिया नहीं लेना चाहिए, कभी भी लेना चाहिए जियो या सर एयरटेल। कोई कोई आइडिया भी यूज वही करता मेरा है आइडिया अभी ही है इसलिए थोड़ा दिक्कत करता है। ओके ना। सर लिव इट आइडिया, दिस सर प्लीज इज द प्लीज बिगेस्ट सर। प्रॉब्लम, ओके ठीक है भाई? दिस इज अ सर बिग प्रॉब्लम। आइडिया इज अ बिग नहीं प्रॉब्लम, नहीं आइडिया कभी नहीं होना चाहिए। जियो या एयरटेल बिगेस्ट ओके प्रॉब्लम सर थिंक, नेक्स्ट क्योंकि एक आदमी है, एक दो आदमी आ रहा है इंटरनेट इशू वाला, ठीक है? और आप लोग यहाँ तक कोई डाउट है तो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी आया करिए सुरभि मित्तल, आई एम इन, रखिए फटाफट, ठीक है? अभी तक क्या आपका डाउट था? अभी तक जितना कराया उसमें कोई डाउट था क्या? शिवा कुमार रेड्डी, कोई डाउट एनी एरिया वेर यू हैव डाउट? ओके ठीक है, वीडियो ऑन रखिए। सुरभि मित्तल, कोई डाउट? नो सर, ठीक है, इतना लेट कैसे हुआ आपको? सर ज्वाइन करने में हाँ एक्चुअली सर अंदर रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो सर मैं हॉल में शिफ्ट कर रही थी अपना लैपटॉप और फोन। ये सब चीज पहले रेडी रखिए, यस अभी एक सर, जगह बैठ जाइए, एक यस जगह यस सर, बैठ बस जाइए। सर, ये सब चीज बस इम्प्रूव करना चार, बहुत जरूरी है। यस सर, एक जगह आराम से शांति से बैठिए, ठीक है? यस सर, अभी कहाँ पर यस बैठे सर, हो, कहाँ पर हो सर बस अभी? हो गया सर, हॉल में हूँ, बस चार्ज लगा रही, लैपटॉप चार्ज नहीं है तो। एक जगह बैठिए, ठीक है? ठीक है, अभी तक जो जो चीज कराया उसमें क्या क्या डाउट था इसका, जो कराया उसमें से डाउट? लास्ट वाला बोल दीजिए एक बार, डिफरेंस बिटवीन ब्लैंकेट पीओ एंड ओपन पीओ। वो नहीं पूछेगा तुमको। ओपन पीओ मतलब ओपन है, क्वांटिटी डिलीवर नहीं हुआ। ब्लैंकेट पीओ, ब्लैंकेट में रेज हो गया, मतलब एक ही बार में पीओ रेज हो गया कंपनी से। गूगल करेगा मिल जाएगा वो डेफिनेशन, मतलब एक ही बार में पीओ रेज हो गया। एक रिलेटेड, एक पार्टी था, बार बार पीओ रेज नहीं करेगा एक पार्टी से। एक ही बार में परचेज ऑर्डर पूरा साल का एक ही बार में हो गया, ये रेट में सामान जाएगा आपके पास, समझ रहे ना? मान के चलिए, इसका एग्जाम्पल सिंपल देते हैं, आप ढाबा में खाना खाते हैं कभी, आप मान के चलो कभी आप पीजी में रहेगा, पीजी का खाना नहीं भाया, तो व्हाट यू विल डू? आप ढाबा में जाओगे खाना खाने के लिए, राइट? अब ढाबा आपका 150 रुपया डेली का लेता है, अब इतना तो नहीं सकेगा। आप साल का एक ही बार पैसा ले लीजिए, साल का पैसा, हम साल के बाद ही देगा आपको पैसा, तो जब ही ले लीजिए, साल के बाद ले लीजिएगा। तो ब्लैंकेट भी हो गया, मतलब एक ही बार में रेट डिस्कस हो गया। 130 रुपये थाली है, 60 रुपये ले लीजिए ना, दिमाग खराब है क्या? 90 रुपये करेंगे ऐसे करके आ गया। तो उसको कहते ब्लैंकेट पियो, एक ही बार में डिस्कस हो गया अपना को कितना रुपया लेना है सामने वाला से थ्रू आउट द ईयर। इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो आपका है, ठीक है? एक सेकेंड रुकेगा, मेरे को नेट का थोड़ा सा, ठीक है? ये बात क्लियर हो गया ना? ब्लैंकेट पियो, ब्लैंकेट ओके पियो, समझ गए ना? हाँ, एक ही बार में सब कुछ रेस कर दिया। अच्छा फ्लैट एक ही पीओ, बार में एक होगा बार में बस सब फ्लैट सब, फंड रेस कर ठीक दिया। है? एक ही बार में हो। ओके आप लोग वीडियो ऑन रखिए प्लीज, जब कर रहे तो। पीयूष को छोड़ दीजिए, हम लोग पीयूष को कोई नहीं बोलेगी, आइडिया का है। टुल्लू हाँ सर एंड सुरभि मित्तल प्लीज, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, यहाँ तक आप लोग का हो गया, ठीक है? अब आता है बस, सोल्यूशन भी या पता चल गया। तो P2P में क्या था? PU का स्प्लिटअप को रेस कर दिया कम। दूसरा क्या था? रिवाइज कर देते हैं LND चार्जेस में, उसको बोलेगा बुक करने के लिए। अगर बुक नहीं किया वो, तो हम लोग उसको बोलेगा कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रखिए, ये रखिए, मेकर चेकर कंसेप्ट रखिए, ये सब रखिए, वी हैव टू मेक दिस, ओके? और आपका आता है ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश में क्या स्टेप्स होगा? ऑर्डर टू कैश ऑर्डर क्या स्टेप्स होगा? टुल्लू बोलिए,
फर्स्टिंग ऑर्डर, देन बिलिंग, देन रिसिप्ट एंड कलेक्शन. ऑर्डर बिलिंग कनेक्शन, ऑर्डर बिलिंग कनेक्शन, कलेक्शन पहले सेल ऑर्डर हुआ, यस फिर उसके बाद सेल ऑर्डर होने यस. के बाद हमको ऑर्डर मिला कस्टमर से, फिर हम क्या करेगा, हम उसको सामान को पहले अरेंज शिपिंग करेगा कहीं ना हुआ, कहीं से, सामान अरेंज किया, फिर बिल बना देगा, फिर बिल बना के फिर एक बार कस्टमर को इतना अच्छा नहीं कि एक बार पैसा देगा तो कैश में देगा, देगा तो लीड से देगा, तो फिर कलेक्शन हम लोग करेगा उससे। इसमें रिस्क क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द रिस्क, खुद लगा गया दिमाग, क्या रिस्क हो सकता है पीयूष मे बी फेक बताइए, पीयूष सेल्स, मे बी सम. भाई पीयूष तुम थोड़ा एक्टिव ज्यादा हाँ सर, रहेगा, हाँ वीडियो ऑफ करने से नहीं होगा। हाँ नहीं और सर, सुरभि मित्तल, एक्टिव. अच्छी सुरभि यस मित्तल सर. वीडियो सर ऑन करिए कहने से जल्दी। हाँ मे बी सम फेक मैं बोल रहा सेल्स इंटरव्यू क्लियर थी आप अनऑथर, लोग का, होगा तो बोलिए, घर मे में बी नहीं पढ़ना सम है, फेक हम कराने का घर में पढ़ने का दरकार नहीं पड़ना चाहिए, समझे इन ना। ओटीसी ऑर्डर टू कैश, इन ऑर्डर टू कैश मे बी सम रिक्स आर अवेल, रिक्स आर इन्वॉल्व, मे बी सम फेक सेल्स, अनऑथराइज सेल्स, अनऑथराइज पार्टी टू सेल्स एंड रिसीव सम कैश बट एक्चुअली नॉट सेंडिंग द गुड्स एंड इफ पेमेंट इज रिसीव सम डिले एंड व्हाट आर द मेल कन्वर्सेशन. तुम अपना एक्सेल अनदर शीट पढ़ थिंग लिया करो ना, दैट आर द पॉइंट ऑफ एक्सेल रिस्क इम्प्रूवमेंट नो, इट लाइक व्हाट आर द डेफिशिएंसीज ही इज आस्किंग. क्या है इसमें, यस रिस्क सर, क्या है फिर से रिक्स बताना, आर रिस्क मे बी दोज आर पॉइंट्स आर रिक्स है ना सर. लाइक फिर से रिपीट करना। मे बी सम फेक सेल हो सकती है, अनऑथराइज सेल हो सकती है एंड नॉट रिकॉलिंग. सॉरी सर, नॉट रिकॉलिंग. गुड, देखो प्रोसेस को याद रखो, पहला क्या था, ऑर्डर रेज किया, तो ऑर्डर जब रेज ऑर्डर किया तो फेक ऑर्डर सेल, आने में प्रोसेस होने में टाइम लग गया, तो जो रिक्वायर्ड पार्टी को ऑर्डर या आने में टाइम लगा, ऑर्डर को प्रोसेस करने में टाइम लगा, डिले इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, डिले इन अरेंजमेंट ऑफ गुड्स, डिले इन अरेंजिंग द गुड्स, डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स, फेक सेल हो सकता है, अनऑथराइज सेल हो सकता है, प्री सेल इज नॉट अप्रूव्ड, फिर जब कलेक्शन हो रहा था उसका डेटा डेजिंग शेड्यूल अप्रूव नहीं है, पेमेंट क्रेडिट टर्म्स अप्रूव नहीं है, समझ में आया ना, ये सब पॉइंट्स बोलना है। आप लोग एक चीज याद रखिए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखिए, क्या होता है ना जब हम 6 या 7 लोगों का रहते हैं, आप लोग अचानक से आए, अचानक से कहा गए, ऐसे 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 करते करते आप लोग का भी फ्लो टूटता है, दूसरा का भी टूटता है, आइए सामने आइए, खत्म करिए कहानी को, और इंटरनेट एक जगह बैठिए, हम थोड़ी ना 100 जगह बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, कभी बाथरूम से बात कर लेते, किचन से बात कर लेते, ऐसे एक जगह बैठिए, समझ रहे ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, शिवा रेड्डी ना एक जगह से बात कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आपको पता है ना ये सब चीज। सर ये सब पॉइंट ओ टू सी की डिफिशियंसी की किया. सर बोलिए, आपको हिंदुस्तान देख रहे हैं, आप आइडिया हाँ, का, आइडिया का इट्स इंटरनेट लाइक यूज करते हैं। सर क्या एक बार रिपीट कर देते हैं ना, तो इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा है क्या ना. इट्स चीज लाइक था, रिपीट सब लोग करिए एक पीयूष, दूसरे रिपीट करिए, क्या क्या दोनों चीज था, ऑर्डर टू कैश में क्या क्या चीज था, सर. डेफिशिएंसीज क्या क्या था, फर्स्ट सर, अनऑथराइज पेमेंट, फेक सेल्स, इनसफिशियंट डेटा डेटाबेस, डिले अनऑथराइज सेल, ऑफ अनऑथराइज सेल, अनऑथराइज अनऑथराइज सेल, सेल, मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ मैनुअल प्रोसेसिंग, सेल्स, मैनुअल हाँ प्रोसेसिंग. भाई दिमाग लगेगा ना, बहुत इजी आंसर सब है, इंटरनल ऑडिट में का दिमाग लग ह्यूमन के एरर, गया, डिलीवरी इशू कैन हाँ आल्सो बी कुछ भी देयर, बना सर दो, रिफंड मुंह प्रोसेस चुप मत कैन बी रखना उधर देयर, में, मुंह चुप नहीं रखना, कुछ ना कुछ यस बोलो के आने सर. बाबर में, या सर, मुंह व्हाट चुप इज नहीं द रखना है। देखिए सर व्हाट यार इज के द पेमेंट डिफरेंस बिटवीन देखो, रिस्क एंड देखा है, डेफिशिएंसी. देखिए देखिए, पेमेंट टू डेटर कैन बी डिलेड, अनऑथराइज सेल, अनऑथराइज टर्म्स ऑफ पे, फेक सेल, सेल क्वांटिटी मोर देन द पीओ, मैनुअल प्रोसेस लीड टू डिले इन सेंडिंग द यस गुड्स, सर, इनएफिशिएंट डेटाबेस एंड नॉट प्रॉपर इंटीग्रेशन, डेटाबेस ही इनएफिशिएंट है, इंटीग्रेशन नहीं है, वो ऑर्डर पास किया, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के साथ टाई अप नहीं है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के साथ नो टाई अप, ओके इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लॉजिस्टिक लिख लीजिए, लॉजिस्टिक्स, इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लॉजिस्टिक ना. हाँ लॉजिस्टिक डिपार्ट जो होता है ना ट्रांसपोर्टेशन यस करेगा, उसके साथ टाई अप नहीं है, मतलब यस होता है ना, सर, दिस विल बी इंक्लूडेड इन डिलीवरी इशू ना. हाँ ये डिलीवरी इशू में प्रॉब्लम है, फिर सेल्स टीम और देर इज नो हाँ कॉन्टैक्ट, देर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन,
देर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन, सर नो एफिशिएंसी इन देर इज नो सेल्स प्रॉपर मैनेजर. कम्युनिकेशन, देर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्समैन, बिटवीन द सेल्स टीम, बिटवीन द सेल्स टीम एंड वर्क ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक मैनेजर डिपार्टमेंट. मैनेजर या आप थोड़ा सोचेगा तो लाइक बहुत दैट इज पॉइंट तो बता हाँ सकते हैं. इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ प्लॉट. या आपको बस सोचना है कि क्या क्या पॉइंट और बोल सकता है, बहुत पॉइंट बता सकते हैं. ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन इसका उल्टा कर दीजिए. प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लॉजिस्टिक, दिस शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन, दिस शुड बी प्रॉपर डेटाबेस, एंड दिस शुड बी थ्री वे मैच. थ्री वे मैच क्या होता है? पीओ इनवॉइस जीआरएन, पता है ना? दो थ्री जी आर वे एन मैच क्या होता देर है? शुड बी पीओ प्रॉपर पीओ इनवॉइस जी आर एन, इनवॉइस जी आर एन, पीओ इनवॉइस जी आर इनवॉइस एन, जी आर एन, इनवॉइस पीओ गुड इनवॉइस रिटर्न, जी आर एन, पीओ डॉट इनवॉइस जी इनवॉइस आर जी आर एन. एन, पीआर को नहीं लेता इनवॉइस होगा हमेशा, फिर जी आर एन, पीआर को लेता नहीं है, पीओ इनवॉइस जी आर एन. जी आर एन. आपका एक और ना फ्रॉड ओवर होता है, पता है? नहीं, क्या बोलता है पर्चे, इसमें क्या बोलता है ना, पीआर नॉट अप्रूव्ड, ये किसका है बताइए तो? पी टू पी में रिक्स है, पीआर नॉट अप्रूव्ड, पीओ नॉट मैचिंग विद क्लोज माय पीआर. डिपार्टमेंट. ठीक है, नो प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वेल क्रिएटिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ वेंडर परचेज मेन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन इनवॉइस पेमेंट विदाउट द सीवी मैसेज. इतना छोटी जी. देखेगा ये कोई क्लास 12 वाला भी पढ़ लेगा तो वो भी निकाल देगा, वैसे हम सच्ची बता रहे हैं. अगर थोड़ा बहुत माता बच्ची करेगा नहीं वो, ये तो मतलब है, ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है. बात हायर टू यू हैव टू रिपीट रिटायरमेंट. अगेन. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो इसका यही है ना कि अपन में अनऑथराइज सेल हो रहा है तो भाई सेल अप्रूव होना पड़ेगा, सेल अप्रूव ऑथराइज पे वर्टिकल एट होना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होता है वो भी अप्रूव्ड होना पड़ेगा, इट शुड बी मेंशन इन द पीओ, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द वर्टिकल हेड. फेक सेल हो रहा है उसको रोको, ये सिर्फ रोको, ये रोको, ऐसे करके प्रॉपर प्लानिंग. तो मोटा मोटी बना के रटना का दरकार नहीं है, इवन रटने का दरकार नहीं है आप लोगों को. आप तो मोटा मोटी तो तीन चार भी पॉइंट बोल दिया उसके सामने तो आपको ले लेगा एकदम आराम से. और आप जब बोलेगा ना तो रट के बोलना भी मत, सोच सोच के बोलना. अरे और में से ऐसे करना, दो तीन ओके क्लाइंट बना लेना. एक और चीज है, आपका क्लाइंट यानी एबीसी लिमिटेड, ये जो भी है वो अपना स्टेट का इंटरनल इंटरनल स्टेट वो करके थी, वन ऑफ द क्लाइंट दे नोटिस दैट देयर वाज रीजन रीजन प्रॉब्लम वाज देयर, द पीआर वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द वर्टिकल हेड एंड द पेमेंट वाज मेड विदाउट द सीवी मैच एंड दिस इज द प्रॉब्लम, देयर वाज ब्लैंकेट पीओ दिस दिस एंड दिस. जो क्लाइंट के बारे में पूछेगा तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा उसको देना है, काम खत्म, समझे ना? तो वो चीज आपको थोड़ा सा करना है, दो तीन में आपका होगा. देखिए दो तीन नहीं, याद रखिएगा. देखिए वो जन क्या होता है, इसका एक इंटरव्यू खराब हो गया डिलेट यूएस आई और बोलता है कि आई एम डिप्रेस्ड एंड दिस एंड दैट. भाई वो कितना आदमी इंटरव्यू दे रहे हो भी तो देखो, इंटरव्यू कितना आदमी दे रहा है ओके वो भी तो देखो. आई वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट, आई नेवर गॉट रिजेक्टेड इन दिस माई फर्स्ट, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड. ये क्या डिप्रेस्ड, हम लोग तो 15 बार फेल हुआ है, 15 बार रिजेक्ट हुआ है, क्या ये सब टाइम पास करने होगा ऐसे करके? और दूसरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा. इंटरव्यू में लक का भी काम है, तुम कितना ही पढ़ लो और लक तुम्हारा खराब हो गया उस दिन, तुम्हारा खराब जाएगा कोई रोक नहीं सकते. उसको तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं कुछ भी हो सकता है ना, उसको पसंद नहीं आ रहे तुम कोई भी कारण से. तो ये सब चीज नहीं सोचना है कि वो हमको कैसे रिजेक्ट कर दिया. ये थोड़ी ना कोई मार्क्स का खेला है कि तुमने बुक का लैंग्वेज लिखा, बुक का लैंग्वेज लिख दिया. उसमें इसमें तो सब्जेक्टिव एलिमेंट है ना पूरा, दिस इज पूरा सब्जेक्टिव एलिमेंट है. जो तुमको पसंद कर रहा है, तो क्लाइंट एक्सपीरियंस कौन ले रहा है इंटरव्यू, तो पूरा सब्जेक्टिव एलिमेंट है इंटरव्यू में. तो तुम कितना ही पढ़ लो तो फिर भी रिजेक्ट हो सकता है. तुम क्या कर सकता है बेस्ट, तुम क्या कर सकता है बेस्ट, ट्राई ट्राई एंड तुम ज्यादा प्रैक्टिस. से ज्यादा उससे कपड़ा ही करो, मिल मिल चेंज करके करो, बस वही कि हार नहीं मानना है, समझे ना? हार जो नहीं मानेगा वो एकदम क्लियर कर दे. बोलते आई गॉट रिजेक्टेड फॉर इंटरव्यूज, तो रिजेक्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं ना. तुम देखो क्यों रिजेक्ट हुआ, व्हाट वाज द रीजन ऑफ गेटिंग रिजेक्शन, वो चीज को लेके इंप्रूव करो, बस काम खत्म, समझे? तो दिस इज अ साइंस, साइंस इज टू गेट रिजेक्टेड एंड देन यू विल पास. कोई जल्दी पास हो जाता है, कोई लेट से पास होता है, समझे? इवन सीए फाइनल में भी तो स्केलिंग होता ही है आजकल, राइट? कोई के साथ नहीं होता है, कोई के साथ हो जाता है, राइट? होता ही है सीए फाइनल में, स्केलिंग होता है ना सीए फाइनल में, तो यहाँ पर भी स्केलिंग ही है एक टाइप का, सब्जेक्टिव एलिमेंट. यहाँ पर ज्यादा स्केलिंग होता है, इनफैक्ट इंटरव्यू में ज्यादा स्केलिंग होता है, समझे? कोई कोई इजी सवाल पूछ लेगा, फिर फेवरेट इंडियस, और कोई को पूछेगा अंदर घुस जाएगा कोई का, तो डिपेंड करता है आपको उसको किस तरीके का है इंटरव्यूअर. तो आपको ज्यादा इसको लेके टेंशन नहीं लेना, आपको क्यों रिजेक्ट किया देखना, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. अब सेकेंड आता है इसका सोल्यूशन क्या है, समझ गए ना? सोल्यूशन बताइए तो ऑर्डर टू कैश का क्या क्या सोल्यूशन होगा, शुभम नेमा फटाफट सोल्यूशन क्या होगा? यस सॉल्यूशन ये होगा कि मेरे को प्रॉपर ऑथराइजेशन करने वाले लोग बिठाना है, कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव करना है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है,
जिससे कम्युनिकेशन बैरियर ना हो। इसके अलावा इनवॉइस ऑथराइजेशन, इट्स लाइक फेक इनवॉइस ना बने। कितने टाइम में पहुंच रहा है वो टाइम नोट करना है मेरे को, वो कहीं पे अटक तो नहीं रहा है। ये नोट करने के लिए मुझे कोई सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल इंप्रूव करना पड़ेगा। राइट, हर्षित सेठ वीडियो यार ऑन करेगा। हर्षित सेठ, शुभम कौन है? कौन शुभम है? कौन याद ही नहीं रहता। शुभम एक शुभम था, एक शुभम आप ही है क्या ये? हर्षित सेठ आप ही है क्या ये दूसरा? मैंने मैंने आपको शुभम मैसेज संडे का। कौन? नहीं शुभम है, एक और टाइटल बताइएगा। शुभम एक एक शुभम नेम डोपा, ओ डोपा। ओके एट टू ओके थ्री हाँ, डेली आई है अभी। हाँ वेरी गुड भाई, हर्षित सेठ। ठीक है, आपका क्या क्या पढ़ाई हो चुका है अभी हाँ तक? सर। हर्षित सेठ हाँ बोलिए। अभी कुछ नहीं हो पाया सर, अभी कुछ। पहले तो आप ना दो तीन चीज इंप्रूव करेंगे, हम अभी अच्छा दिख रहा है ना, तो तुमको भी ऐसे ही दिखना है उधर में। हम क्या क्या किया है? दो लाइट सर लगाया। हम अभी है नहीं, एक्चुअली घर पे है नहीं, हाँ एक्चुअली घर पे नहीं है सर, इसलिए हम नहीं क्लास कर पा रहे। एक्चुअली घर पे है नहीं तो क्लास नहीं कर पा रहे हम। जो भी है भाई, नौकरी तो चाहिए ना आपको, 10 दिन बाद ही है आपको, पता है ना? टिकट हाँ कट जाएगा नौकरी तो उसके बाद। चाहिए कैंपस में सर। नहीं लगा तो आपका टिकट कट गया, पता है आपको? कैंपस ही है हाँ आपका, सर। एक लौता सहारा। उसके बाद आपको खोजते रहना पड़ेगा, आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन लिंक्डइन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। कोई हेल्प नहीं करने वाला। सी एफ बी आर कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, वही होते रहेगा। अभी पढ़ लीजिए अच्छा से, कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, कमेंटिंग फॉर बेटर रीच। आदमी तो मेरे एक चीज समझ में नहीं आया, बोलता है आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन बीपुर, प्लीज रेकमेंड मी। अरे वो ऐसे कर रहे हैं, उसका कॉल आ जाएगा जैसे वो क्रैक ही कर देगा इंटरव्यू। पढ़ के कुछ नहीं रखा है, आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन बीपुर। अरे क्या करेगा तुम बीपुर का, हफ्ते में ला के देता है कॉल, तुम क्रैक ही नहीं कर पाएगा ऊपर में। ऊपर थोड़ी ना कोई बैठ के रखा है तुमको लेके, तुम ले वो उसका कॉन्फिडेंस भी देता है, मेरा कॉल आके तुम निकाल ही देगा इंटरव्यू। जैसे उसको जान पहचान का बैठा है उधर में भाई, कॉल आने का तो कोई तुम और नहीं निकाल पाएगा। नहीं यार कॉल आ रहा है, पहले पढ़ के तो रखो, फिर तो आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन बिगपुर, आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन बिगपुर। तुम क्या कर लेगा जीरकपुर का जॉब लेके? तुमको लगता है तुमको ले लेगा कोई भी इंसान को बिना पढ़े? समझ रहे ना मेरा बात को? भोजन करता है ऐसे करके, मतलब तुम क्या ही कर सर लेगा? नहीं, मेरा कॉल आने के अंदर मोटिवेशन आ जाता है। हमारे में दुर्गा माता गुज जाते, कोई माता गुज जाता, वो निकाल देगा इंटरव्यू उसके। तो उसके तुमको पता, हम निकाल देगा। कैसे निकाल देगा भाई? तुम 24 आवर, तुम 24 आवर खाना पीना नहीं खाएगा क्या? हम आज तक तो नहीं देखा किसी को, हाइट्स का बात बोल रहा है, जो नहीं पढ़ के रखा है 24 आवर्स के अंदर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाएगा वो आदमी। अगर वो हाइट्स का बात हो गया, उसको इंटरव्यू में क्लियर कर दिया, कोई एक्सटर्नली फैक्टर होगा उसको पास कर सकता है। लड़का को तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई कीमत में पॉसिबल नहीं है कि वो तुम्हारा उस ऑर्थमेटिकल से नहीं करके रखा है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी लिमिट में तुम नहीं पढ़ के रखा, तुम इंटरव्यू क्रैक कर दो बिग फोर लेवल का, सेट इंटरनल कोई भी लेवल का पकड़ के देख लो। तुम पढ़ के नहीं रखा, तुम क्लियर कर दे 24 घंटा के अंदर में, वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है हम निकाल देगा। समझ रहे ना रात को? तो पहले पढ़ना पड़ेगा भाई यहाँ में, और अभी तो और डिफिकल्ट हो गया। तो तुम दो तीन चीज इंप्रूव करो। पहले तो तुम है ना अपने घर में लाइट लगाओ, या लाइट के आगे सर बैठो, घर पे हम है नहीं एक्चुअली, इसीलिए इस तरह दिक्कत हो रहा था। तो जो भी है उसको बोलो मैं एक लाइट लगा के तो अच्छे से दो देगा। एक चीज इंप्रूव करेगा इस चीज को नेक्स्ट टाइम से। तुमको पहले बार में हम देखा सर था ये चीज है। दूसरा इन चीज व्हाट टाइम इट विल बी एंड सर दिस क्या? मीटिंग सर सर इन व्हाट टाइम इट विल बी एंड दिस मीटिंग सर लास्ट एंडिंग टाइम सर। इसका मीटिंग का कोई एंड टाइम नहीं है, ठीक ओके सर। है? और सर हमारा मॉक आज होगा कि नहीं? सर सेट वालों का मौका नहीं लोगे क्या? मॉक क्या सर मॉक इंटरव्यू का जब वन बोले टू थे वन ना? आप कह रहे थे मॉक होगा। भाई तुम लोग ही तो क्वेश्चन को पूछा ना, इंटरनल ऑडिट सीखना है कोई, जो स्टार्टिंग में पूछा तुम लोगों कि तुम लोगों क्या डाउट है, डाउट क्या है, तुम लोग ये डाउट है, इसलिए हम डाउट कराते रह गया। समझ रहे ना? तो हम डाउट तुम लोगों को पूछा कि तुम लोगों को क्या करना है, डाउट करना है कि ये करना है, तो बोला हाँ हमको डाउट करना है, तो हम डाउट करा दिया। वॉक करवा देगा हमको जो बोलेगा, तुम लोग इडली खाएगा इडली खाएगा, डोसा खाएगा डोसा खिला देगा। समझ रहे हैं? चीज को समझो, ठीक है? तो बट जो बोलेगा सर हमको आई खिलाएगा, वांट टू हमको बोलेगा रिक्वेस्ट, अब आई इडली वांट खा टू लिया, रिक्वेस्ट अब हम बोलता अब इडली खाने का हमको डोसा खाने का मन है।
पेट खराब हो जाएगा, देखो वो भी खिला दे रहा हूँ जो बोलेगा वही सर खिलाएगा। टाइम लेके करवा दीजिए, लाइक 10 मिनट ब्रेक, देन फिर तो 10 मिनट स्टार्ट कर ब्रेक के बाद जब दीजिए। आइडिया वाला बैठा है, सब आइडिया वाला आदमी बैठा है यहाँ पर, मैंने समझे ठीक है। मेरे हिसाब से देखो तुम लोग इंटरनल, ये देखो मेन चीज क्या है ना, तो बात को समझने का कोशिश करो, स्टेट ऑडिट में इंडेक्स डीप जाएगा तुम लोग का, पहला बात। अभी डाइवर्सिफाई करके चलो चीजों को। और एक और चीज हम बता देते हैं, चाहे इंटरनल ऑडिट हो चाहे स्टेट ऑडिट हो, आंसर एक ही होता है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम अगर ये भी बता दिए ना स्टेट ऑडिट में तुम ये किया है, तुम्हारा हो गया खेला। तुम बोलते हम P2P R2R O2C ये सब किया है, तुम बोले लिया, वो चीज तो एक ही है, स्टेट में भी यही करते, इंटरनल में भी यही करता है काम। ऑडिट प्लानिंग पूछेगा तुमको करवाया, हमको पता है कहां पर तुम नहीं बता पाएगा आंसर, ऑडिट प्लानिंग तुम नहीं बता पाएगा, समझ रहे ना मेरा बात को। अब बचा क्या है तुम लोग का, सब तो हो ही गया, अब पता है एक हायर टू रिटायर बचा, तो स्लो जाओ, स्लो जाओ सब होगा काम, स्लो जाओ सब होगा, हड़बड़ी मचाएगा कुछ नहीं होने वाला है। अभी क्या बचा, हायर टू रिटायर बचा, राइट, हायर टू रिटायर। तो हायर टू रिटायरमेंट डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या हो सकता है बताओ मेरे को, स्टेप्स क्या होगा, पहले तो स्टेप्स बताओ। स्टेप्स क्या होगा हायर टू रिटायर में, स्टेप्स बताओ हायर टू रिटायर में, स्टेप्स क्या होगा, व्हाट सर विल बी द हायर टू स्टेप्स। रिटायर में सर सबसे पहले होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सर, देन देयर विल बी रिक्रूटमेंट सर, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कंपनसेशन, रिटायरिंग द एम्प्लॉय, एंड सर इफ देयर इज आफ्टर आफ्टर रिटायरमेंट प्रोसेस विल बी देयर। ठीक है, सुबह हम रिपीट करिए। नीना, लाइक एक चीज और बार बता में देते हैं, समझ बात को समझने का कोशिश करिएगा ठीक है। आप लोग जो चीज आपको आता है ना, सबसे बड़ा गलती यही करता है इंसान, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, जो चीज आपको आता है ना आप अपना कंफर्ट जोन में खेलते हैं हर आदमी, जो चीज तुमको आता है तुम वही चीज को 10 बार रटते जाता है, जो तुमको नहीं आता तुम देखते ही नहीं है उसको, जो तुमको आता है तुम वही को, कारो अमेंडमेंट आता है तो कारो अमेंडमेंट को गीत गाते रहेगा 10 दिन तक, कारो अमेंडमेंट को अलग अलग तरीका से पढ़ने का कोशिश करेगा, टाइम पास कर लेगा पूरा, जो चीज नहीं आता है उसको ही पढ़ना है, जो चीज आता है उसको ही पढ़ते रहेगा, तो क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है उसे, क्या हो रहा है उसे, टाइम शुभम वेस्ट ढेबा हो क्या रहा हो है, रहा आगे है, ही नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हारा अंदर में वहम बैठ गया, तुम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है हर दिन, क्यों, तुम अपने आप को कंफर्ट दे रहे हो करके कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे, तुम पढ़ रहा नहीं है, तुम वहां पर है वहां पर ही रह रहे हैं, तुम्हारे आगे नहीं बढ़ रहा है, हमेशा अनकंफर्टेबल चीज को करने का कोशिश किया करो जो भी चीज है ठीक है। तो अभी हम क्या बोला, हायर टू रिटायर का स्टेप्स, इसलिए मैं बोला तुमको, मान के चलो तुमको क्या आता है सौरभ, क्या आता है तुमको बताओ, तुमने क्या पढ़ा बताओ, थोड़ा बहुत स्टेट का पढ़ा था, और स्टेट का ही पढ़ा था आज, तो तुमने कितना 2 हफ्ता से स्टैट ही पढ़ा है, तीन स्टेट और हफ्ते से स्टैट ही इंडियस पढ़ा है, वगैरह। राइट, 2 हफ्ता लगा है स्टैट ही पढ़ा है। मैं बताऊं इसमें तुमको 2 दिन से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, पर तुमको 2 हफ्ता क्यों लगा, कि तुम कंफर्ट में खेल रहे हो भाई, कंफर्ट कंफर्ट से आगे नहीं बढ़ रहे है। सर मेरे को इंटरनल मैंने ट्राई नहीं किया करने का। ट्राई करना पड़ेगा ना, आंसर तो एक ही देना है ना भाई दोनों में, तुम मतलब सीए बना था तो तुम ऐसे तो नहीं बोला ना कि हम 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, 8 8 सब्जेक्ट पढ़ के तो सीए बनाया, मन नहीं कर रहा, कन्वर्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं करेगा, तो मान के स्टैट में नहीं लगा तो क्या करेगा, क्या गाड़ी कौन करेगा, करेगा आंसर देगी पढ़ने है दोनों में, नहीं सर, करेगा तो क्या फिर करेगा, कोई मिड साइज फॉर्म देख के, सर कोई टॉप 20 फॉर्म वगैरह देख के वहां पे थोड़ा लेवल अप करेंगे, फिर बिग 4 ज्वाइन करेंगे। अब तक तो यही प्लानिंग है। देखो प्लानिंग ये रखो बिग 4 ज्वाइन करना है, तुम स्टेट में गो तो इंटरनल में फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं तुमको बता रहा है, तुम वो अपने लेवल में अच्छा है, तुम लोग टॉप 20 से स्टार्ट कर देगा, तुमको बिग 4 आने में टाइम लगेगा, हमेशा स्टार्ट बिग 4 से करने का कोशिश करो, थ्रू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, तुमको कोई भी प्रोफाइल में मिल जाए ना बिग 4 में ज्वाइन करो पहले, तुम ये टॉप 20 में क्यों, अपना गोल हमेशा अपर रखो, हाई रखने का कोशिश करो, तुमको बिग 4 ही घुसना है कैसे भी करके स्टार्टिंग में, समझे, मैं कुछ में सर गुजरे तुम्हारा एक ही बात पढ़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, काम एक ही होता है, इवन इंटरनल ऑडिटर को स्टेट ऑडिट भी करवाता है, स्टेट को इंटरनल भी फिर करवाता है, वही है ना, इंटरनल का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो ग्रिल अप करने एक्सपीरियंस लग गया किसको तो कुछ होता बोल है, ही नहीं एक्सपीरियंस किसी को सकेंगे। नहीं होता है, एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता आर्टिकलशिप में, तुम स्टेट ऑडिट का एक्सपीरियंस है, तुम क्या है स्टेट ऑडिट,
क्या कुछ तुमने तो स्टेट किया है लॉटरी? सर, इंटरनल, सर ऐसे इंटरनल नहीं तो होता बिल्कुल है, भी ऐसे नहीं नहीं किया। होता है जिंदगी में, ऐसा होता ही नहीं है। तुमको लग रहा है तुमने किया है, तुमने कुछ नहीं किया है स्टेट ऑडिट में। स्टेट ऑडिट एक्चुअली बहुत कुछ होता है स्टेट ऑडिट के अंदर में, तुमको लग रहा है तुमने किया है, समझ में आ रहा है ना? तो अपना कंफर्ट जोन में मत रहो, कंफर्ट में रह जाएगा जिंदगी भर। हम तो भाई आर्टिकल में कुछ भी नहीं किया था, तुमको बता रहा है। हम जीएसटी रिटर्न फाइल किया था खाली, वो भी देखा था एक्चुअली, कुछ नहीं किया हम, खाली ताकते रहता था सबको। ऑब्जर्वेशन करता था सबको, ऑब्जर्व करता था बैठ के, क्या कर रहा है क्या कर रहा है। हम ऑब्जर्व करता था, आई वाज कीन ऑब्जर्वर। को आर वाज काय कर रहा है, हम काम नहीं करेगा, हम कल देखेगा आपको कैसे कर रहा है। आई विल जस्ट चेक यू हाउ यू आर डूइंग, तो बिकॉज़ सर अब वो आई देखा वाज ग्रुप में वो मैसेज देखा जिसने वीडियो का इंटरव्यू दिया था, वो कह रहा था कि पूरा ग्रिल अप करते हैं, कोई सिर्फ अरे प्रोसेस भाई लर्न ड्रॉप करने से नहीं एनडीसीएफ। अब होगा। तो कैसा मैं बता रहा हूँ तुमको, तो ग्रिल का मजा है, देखो ग्रिल करेगा ही करेगा। देखो कैसा एक बात को समझने का कोशिश करो, ग्रिल करेगा ड्रिल करेगा सभी यस करेगा, सर। अल्टीमेटली तुमको क्या करना है, तुमको भी ग्रिल करना है खुद को। और तुम ग्रिल कैसे करेगा खुद को, तुमको जब ग्रिल कर रहा है सामने वाला, तो तुमको क्या बोलना है उसको, क्या बोलेगा तुम उसको, क्या बोलेगा? सॉरी सर आई हैव डन इन फर्स्ट ईयर, यही सर, लाइन सॉरी बोलनी है सर, क्या? नहीं तरीका से बोल रहे हो ना। पहले तो तुम ये कटा के हाँ जाना, तुमको मतलब सवाल इजी पूछेगा। पहले तो हम उसको बोल, उसको भी बोला था कि ये कटा के जाएगा, वो एटीट्यूड दिखाया है। आई एम फ्रॉम टॉप 2 6 CA फर्म, आई हैव डन दिस दिस इज। तो वो ज्यादा तो उसको बोलेगा, वो भी तुमको ग्रिल ज्यादा करेगा। तुमको उसके सामने मॉडेस्ट हम्बल रहना है। अच्छा हाँ, उसको पूछा हाउ डू यू रेट योरसेल्फ इन इन इंडिया, बोला 9 out of 10। ग्रिल नहीं करेगा, तुम बताओ ग्रिल नहीं करेगा, करेगा 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 मतलब आई गॉट 5 out of 6, आई थिंक आई शुड गेट 5, 5 to 6 out of 10। वाई सो लो? आई थिंक देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मी। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू सम कोर्सेज इन इंडिया। हाउ मच रेट योर सेल्फ इन एक्सेल? 5 to 6 out of 10। कोई भी चीज है 5 to 6 out of 10। आई एम वेरी हम्बल पर्सन, आई लाइक टू रिमेन हम्बल। हाउ हाउ इज कम्युनिकेशन? 5 to 6 out of 10। सब चीज में 5 to 6 5 to 6 देना है। तुम जो बोलेगा वापर में, तुम सोच समझ के बोलेगा। तुम जैसे तुमने मुंह से निकाल दिया एक्सपेक्ट, मेरा जाके वीडियो देखो, मुंह से निकाला कि मैंने ये किया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, क्रेडिट लॉस के अंदर घुस जाएगा। इंपेयरमेंट मुंह से निकाला, इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड को लेके घुस जाएगा। यहाँ पर वो ग्रिल ज्यादा करने लग जाएगा, तुमको कल इतना ही बोलना है सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉलेक्ट राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माई नॉलेज ऑन इट। सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉलेक्ट दिस आंसर राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माई नॉलेज ऑन इट। सॉरी सर एक्चुअली दिस आई हैव डन इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ माय आर्टिकल सी, बट सॉरी सर आई हैव डन इन द सेकंड ईयर ऑफ माय आर्टिकल सी दिस वन, सो आई असिस्टेड माय सीनियर्स ऑन इट, बट आई थिंक आई नो दैट आई शुड हैव रिमेंबर्ड दिस, आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माय नॉलेज ऑन इट। बस ऐसे ऐसे करके करना है ज्यादा से ज्यादा। देखो मेन चीज क्या है, देखो द ओनली प्रॉब्लम एनी पर्सन इज फेसिंग इज राइट नाउ द ओनली 2 प्रॉब्लम्स, ओके? पहला चीज कम्युनिकेशन स्किल, सेकेंड चीज पर्सनैलिटी। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल पर्सनैलिटी देख रहा है। अब क्या हो रहा है, तुम लोग का नॉलेज के पीछे भाग रहा है। नॉलेज तो जरूरी है, नॉलेज भी तुम लोग अक्वायर नहीं कर रहे हैं, ये भी बात है। नॉलेज भी कोई ऐसा नहीं कि अक्वायर कर रहा है, नॉलेज भी अक्वायर नहीं कर रहा है, और कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी तो कर रहा ही नहीं है। ये कटवाना है, ये लाइट करना है। अभी हमको हरिशित सेठ का वीडियो ही नहीं दिख रहा है, ये सब चीज होगा तो वो तो ऐसे ही आपको फाड़ने वाला है उधर में। तुमको अपना कोट पहन लेना, कोट पहन लेगा तुम, हमको बता रहे तुम कोट पहन के जाएगा, तुमको सवाल इजी पूछेगा। तुम कोट पहन के जाओ, तुमको सवाल इजी पूछेगा। तुम ये कटा के जाओ, तुमको सवाल इजी पूछेगा। तुम उसको स्टार्टिंग में बोल दो गुड मॉर्निंग सर, जाने का टाइम है, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी थैंक यू सर फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी, सॉरी सर थैंक यू सर, थोड़ी तो सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू वाला गेम खेलना है पूरा दिन। सॉरी थैंक यू सर, सॉरी सर थैंक यू सर, सॉरी सर थैंक यू सर, सॉरी सर। अगर आप और स्माइल देते रहना, स्माइल देते रहना, स्माइल देते रहना, स्माइल देते रहना, ठीक क्या ही हो जाएगा, तुमको ग्रिल कर दिया, ठीक है तुमका ग्रिल कर दिया, क्या हो जाएगा उसके बाद थोड़ा, उसके बाद क्या ही हो जाएगा तुम्हारा, ग्रिल कर देगा, ज्यादा रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने का क्या होगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर देगा, फिर तुम क्या करेगा, ईमेल आईडी बदल दो, ईमेल आईडी बदल के फिर से तुम अप्लाई करो 2 महीना बाद। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, इट इज नॉट, मतलब ये अलग नहीं है इंटरव्यू प्रोसेस है, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। सर इफ यू बिकम कंफर्टेबल इज रिजेक्शन देन इट इज गुड, इफ यू डोंट गेट कंफर्टेबल देन इट इज बैड, समझ रहे? बट एक चीज है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा और सब चीज पढ़। तुम बोला कि हमको स्टेट ऑडिट नहीं लगा, हम सीएफएम में ज्वाइन कर लेगा, सीएफएम तुमको और ज्यादा ड्रिल करेगा, तुम्हें पता है सीएफएम तुमको ऐसे ले लेगा गोद में। लग रहा है भाई सीएफएम तो और ज्यादा ग्रिल करेगा, टॉप ऐसे सिक्स तो फिर नहीं, कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी, संन्यास ले लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, लगेगा। पर तुमको इंटरव्यू देते रहना पड़ेगा,
मेल बदल के कुछ भी करके पढ़ के तुमको डाइवर्सिफाई करना, नॉलेज को डाइवर्सिफाई करना, स्टैट इंटरनल ऑडिट इंडेक्स वगैरह ऐसे करके इंडस्ट्री है लॉक तो लगे अनकोशन लगेगा, पर हार नहीं मानना है। द मेन थिंग इज हार नहीं मानना, इंटरव्यू देते रहना। हमने 15 इंटरव्यू दिया ना, रिजेक्ट हुआ है, हार नहीं माना, देते रहिए हम तो फटाफट देते था, एक डीवाई सर पीडब्ल्यू मेरे को तो गेट बैक टू भी नहीं बोलता था उस दिन, ही बोल देता था थैंक यू, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, बट आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन गेटिंग टू एचआर, सीधे ही बोल देता था। हम बोलते थे कहाँ पर इम्प्रूव करें, सभी जगह इम्प्रूव करना है, तो सबसे ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट हमको बोला, हम बता रहे बार बार ये चीज बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी देख रहे हैं, कम्युनिकेशन इस चीज को अगर नहीं समझेगा तो अपने बहुत पसंद है पछताने वाले। वो लोग देख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी, नॉलेज आपका सेकेंडरी है, जब आंसर नहीं पता उसको बोलो तुमको आंसर क्यों नहीं पता, उसको समझाना है, और तुमको है ना माइंडसेट का अप्लाई करना है कि तुमको वहां पर भी उसको नचवाना है जहां पर तुम नचवाना चाहते हैं, जो तुमको आता है उसमें नचवाना है। तुम अगर देते उसको हाई फाई वर्ड्स बोल दिया तो तुम्हारा गेम खत्म वहां पर ही हो गया, तो गेम खत्म नहीं करना है खुद का, तो दैट इज द गेम आउट हियर। ये चीज कैसे सीखता है ना, तुम मेरे हिसाब इंटरव्यू, से तो ये सब चीज तभी सीखेगा जब तुम इंटरव्यू देते रहेगा, तुम घर में बैठ गया चलो हम पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, प्रिपेयर होने के बाद इंटरव्यू देगा तो नहीं होगा, तुम जब बाइक चलाया या साइकिल चलाया तो तुम एक बार में साइकिल चलाना सीख गया क्या, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तुमने नहीं, हम जब तुम पूरा सीख जाएगा तभी हम जाके साइकिल चलाएगा, नहीं होगा, तुम गिरेगा लटकेगा ऐसे ऐसे होगा तभी जाके तुम साइकिल चलाएगा, तुम तभी होगा। सीए फाइनल में बात कर लो, तुम्हारे एक अटेम्प में तो सीए फाइनल नहीं निकला, किसी का भी जल्दी कोई का निकल जाता है, खुश नसीब होता है उसका, जब जिसका फर्स्ट अटेम्प में सीए निकलता है ना उसको बाद में बहुत दिक्कत आता है, हमें चीज देखा है कोई ना कोई तरीका से उसको बहुत दिक्कत आ जाता है, क्योंकि वो सर वो आज लाइक आई अचानक फील हाँ पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में लर्निंग एटीट्यूड देखना चाह हाँ रहे हैं। पेशेंस वगैरह नहीं होता वो चीज है, तो फेलियर वगैरह से नहीं होना, अपना एफर्ट डालना है, और दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो डरना नहीं है, ठीक है, द पार्ट इंटरनल ऑफ हो द गया, ठीक प्रोसेस। है, वही चीज मैंने बोला, ठीक है, आपको हम दो चार तो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब दीजिएगा, स्टेट ऑडिट गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, सर कोई भी दे सकते नहीं कि सर सौरभ देगा, सौरभ देगा, अभी आप शुभम। पता चल जाएगा इनका क्या प्रॉब्लम है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बोलिए। माय नेम इज सौरव, आई हैव कंप्लीटेड माय सीए इन नवंबर 2022। आई वाज बोर्न इन हिसार हरियाणा। आई डिड माय आर्टिकलशिप फ्रॉम एआरजी एंड कंपनी एलएलपी, ए फर्म बेस्ड इन दिल्ली, वेयर आई हैव लर्नड ए लॉट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। इन स्टैट ऑडिट आई हैव डन टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक एंड पेरोल्स। आई ऑल्सो हैव फाइल्ड रिटर्न्स ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। देखो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू हियर समथिंग एल्स। देखो अब आपको समझ में आ गया इंटरव्यू में क्या देख रहे हैं, कम्युनिकेशन, देखो सब कोई आदमी एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, वो है नॉलेज, नॉलेज ऐसा चीज है ना तुम पकड़ नहीं सकते हैं, तुम कितने नॉलेज कर लो तुम गूगल से आगे नहीं बढ़ सकते, दे आर नॉट हायरिंग गूगल, दे आर हायरिंग पीपल, दे आर हायरिंग समबडी हु इज स्मार्ट एनफ टू डील विद द क्लाइंट्स, दे आर स्मार्ट, वो लोग को पता है भाई मेरा मैनेजर, हमसे मैनेजर भी आके मेंटरशिप लेता है, हम मैनेजर को पूछा कि भाई तुमको तो पता है भाई ये लोग नहीं करके आता है, तुम लोग क्यों लेते हैं, हमको ही पता है भाई क्यों नहीं, हम लोग लेता है ये लोग को इसलिए है कि हमको पता है भाई इसको कुछ नहीं आता, पर इसका कॉन्फिडेंस कितना है कि हमको बना सकता है यार ये इसमें कॉन्फिडेंस है, ये वो लोग कॉन्फिडेंस देखता है, आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं ना, जो स्टाइल से दे रहे हैं वो देखता है, जितना में है कि क्लाइंट को भी तुम ऐसे करके अपना क्लाइंट को काम करवा देगा, तो तुम्हारे में वो देखता है कॉन्फिडेंस, तो वो चीज तुमको इम्प्रूव करना है, इसलिए बोला नॉलेज के पीछे मत भागो, नॉलेज तो चाहिए, एक लेवल तक आगे तुम्हारा नॉलेज, मतलब मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि तुम अगर 10 में से 6 सवाल या 7 सवाल का जवाब सही दिया और कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा बहुत अच्छा रहा, तुमको फिर भी वो ले लेगा, और अगर तुम्हारा नॉलेज अच्छा रहा, 10 में 10 भी दे दिया तुमने केबीसी खेल के, तो कम्युनिकेशन स्किल में उसको मजा नहीं आया तो नहीं लेगा तुमको, अल्टीमेटली तुमको कम्युनिकेट, और कैसे इम्प्रूव होगा, प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, समझा, और इंटरनल ऑडिट बहुत जरूरी है, इंटरनल स्टेट का मिक्स होना बहुत जरूरी है, याद रखना, समझ रहे, डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू सक्सेस, तो तुम्हारा दो गलती कर रहे हैं तुम, ये गलती मनीष भी कर रहा है डाइवर्सिफाई नहीं करके, योर मिस्टेक इज योर नॉट डाइवर्सिफाइंग, आपको मैंने स्टेट ऑडिट है लगा तो ठीक है, नहीं तो हम बैठे रहेंगे, हम सीएफ में ज्वाइन कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो गलत स्ट्रेटेजी थी, हमेशा डाइवर्सिफाई करो, जब हम सीए बना था ना हम इनडायरेक्ट टैक्स सारा सारा इंटरव्यू दिया था, हम कोई इंटरव्यू नहीं छोड़ा, हम सारा इंटरव्यू दिया,
आज देखो आज का पल मिल रहा है, हम कोई नहीं छोड़ा, हम इंटरव्यू देने का भी नहीं छोड़ा, मतलब उसके आदि देते रहता था, लोगों का भी कलर है। मेरा 15 इंटरव्यू हम रिजेक्ट हुआ था, पर हमने उस टाइम भी ना 3 लोगों का, लड़कियों का इंटरव्यू क्लियर करा था, मेरा नहीं हो रहा था, उन लोगों का करवाया था। हम लोग ये कैसे हो रहा है, लोगों का क्लियर हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा कुछ ना कुछ लक काम नहीं कर रहा था, बताए लक काम नहीं कर रहा था। 3 लोगों का हम कराया था उस टाइम, मेरा तीन हम करवाया था, लोग का मेरा नहीं हो रहा था। लक भी बहुत बड़ा मैटर करता है, कभी कभी आपका किस्मत आपका साथ नहीं देता, जिस दिन देता है ना उस दिन आप मार देते हैं उसका, समझ रहे ना। तो वो चीज एक बार आ जाइए सब जना, अभी मॉक इंटरव्यू आप करवा देते हैं आप लोग का, जो जो का बाकी था ना, अब मॉक ले लेगा सर आधा घंटा में, ठीक है। ये अब मेरे हिसाब से हो गया है टू रिटायर वगैरह।